पिछले वीडियो में ही था कि हम लोगों को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे फाइंड करना है और कंपेयरिंग कैसे करेंगे। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या है, जो कि लंबा वीडियो होने के कारण वो कट भी गया। तो नेक्स्ट करिए, हम लोग आज भी अभी इसमें समझेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसको कहते हैं और कैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करेंगे और कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर दोनों में से बड़ा है या फिर छोटा है। ओके, अब आपको बता रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए हमारा है 2/3 है। अगर आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6 आ गया, 4/6। तो दिस नंबर एक्चुअली इज इक्वल इन वैल्यू टू 2/3। सो दिस वन इज इक्वल इन वैल्यू टू 2/3। सो मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। तो हम लोग रेशनल नंबर, और फिर आइए लेते हैं 10/15। यू शुड मल्टीप्लाई इट सपोज वट एवर लेट बी बाय 5 बोथ न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 10/15 को जब आप उसके न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 50/75। दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। ऑल्सो सपोज इफ यू आर डिवाइडिंग न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, हियर यू सी बोथ आर डिविजिबल बाय 5 एंड वी विल गेट 10/5 2 एंड 15/5 यू विल हैव 3 2/3। यहां पे आपको 15/75 है और इधर 2/3। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस वन। आप किसी भी डेसिमल नंबर के न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर को यदि सेम चीज से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो व्हाट यू नंबर गेट दैट वन इज इक्विवेलेंट इन वैल्यू। बट आप एक कुछ सोचना है कि व्हाइल यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2/3 बाय 0 तो व्हाट वुड यू गेट। 0/0 मीन्स दिस वन, दिस सच टाइप्स ऑफ नंबर इज नॉट रेशनल ना, व्हेन यू हैव 0 इन डिनोमिनेटर। सो अब आपको इसका वैल्यू अगर कोशिश भी करें हम लोग कि सपोज मान लीजिए 0 आ गया, ऐसे होगा नहीं 0 क्योंकि दिस विल नॉट कम इनसाइड द रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। सो दिस वन इज नॉट इक्वल टू 2/3 एनीवे। तो मीन्स वन कंडीशन मस्ट बी देयर व्हाइल यू आर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बोथ शुड बी मल्टीप्लाइड बाय अदर नंबर देन 0। 0 के अलावा कोई नंबर हो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है बट नॉट इट शुड बी 0। 0 नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग ये कहेंगे कि इफ ए बाय बी इज अ रेशनल नंबर देन ए मल्टीप्लाइड बाय एम बी मल्टीप्लाइड बाय एम व्हाट यू विल गेट दिस वन। एंड सपोज यू आर डिवाइडिंग ए बाय एम B also by M, so what you will get, these two are equivalent to A by 2, are equivalent to A by B. What condition must be? M should not be 0, where M should not be 0. तो इक्विवेलेंट समझ में आ गया है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं इस तरह से कि when we are मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय द सेम नंबर्स अदर देन 0 मीन्स नॉट बाय 0 and you can tell like this, multiplying numerator and denominator or dividing the numerator and denominator by non-zero number, non-zero means not 0। ये आपको books में definition में है,
कि व्हेन वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर इन डिनोमिनेटर और डिवाइड द न्यूमरेटर इन डिनोमिनेटर बाय सेम नॉन जीरो नंबर देन द वी गेट दैट इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर देन द प्रीवियस वन जिसको आपने मल्टीप्लाई किया। ओके तो आप देखिए हम लोग मान लीजिए 2/4 है 2/5 है और हम लोग इसका 3-4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखते हैं। जैसे 2 और 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 4 एंड 2 से इसको 10 एंड व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग बोथ बाय 3 6 एंड 3 5 15 4 से 4 2 8 एंड 4 5 20 7 से 7 2 14 7 5 35 दीज आर ऑल इक्विवेलेंट टू दिस वन 2/3, 5 का ये सारे इक्विवेलेंट नंबर है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ओके अब हम लोग समझेंगे कंपेयरिंग ऑफ द रेशनल नंबर मीन्स कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सपोज आपके पास 2/3 और 4/3 दिया हुआ है बहुत सिंपल है ये तो आप लोग 4th-5th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं। तो एक बात ध्यान रखना है अगर हम लोग पास ऐसे लेते हैं कि एक बिस्किट है हमारे पास है ना और उसको हम दो भाग में डिवाइड कर दिए ठीक है और एक बिस्किट है उतना ही बड़ा फील है और उसको अब हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं ठीक है। मान लीजिए क्या है एक बिस्किट है उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया और एक बिस्किट है उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बिस्किट थोड़ा छोटा बड़ा है चलो बराबर कर लेते हैं तो गुस्सा हो जाएगा बिस्किट वाला बराबर हुआ कि नहीं और बड़ा करना होगा ठीक है। हम लोग बराबर बिस्किट ले लिया और इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया क्योंकि 2 से नीचे दिया और इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो बेसिकली दिस वन दिस पार्ट इज बिगर देन दिस वन इसके 3 भाग में से कोई एक भाग अगर हम लोग लेंगे पार्ट लेंगे तो बेसिकली ये वाले पार्ट इससे बड़ा है कि नहीं। तो मतलब क्या है कि अगर एक ही बिस्किट है और उसको 2 भाग और 3 भाग करें 3 भाग वाला हमारा छोटा होगा पार्ट तो वेल यू हैव द सेम न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर तो दोज व्हिच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर इज स्मॉलर। ओके अगर 2 नंबर फ्रैक्शंस है और उसके न्यूमरेटर इक्वल है लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन छोटा होगा। और जब इस तरह का बात आए कि डिनोमिनेटर सेम है मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास 2 टॉफी है ठीक है और 3 आदमी में बांटना है और एक है 4 टॉफी है ना और ये भी 3 आदमी में बांटना है तो बेसिकली यहाँ पे 3 आदमी में इसको भी बांटना है और इसको भी 3 आदमी में बांटना है तो किसको ज्यादा मिलेगा इस वाले का। डिवाइड करना मीन्स बांटना तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा इस पोर्शन में जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है यानी कि हम लोग डिवाइड सेम चीज से कर रहे हैं है ना यू आर डिवाइडिंग बाय सेम नंबर मतलब 3 आदमी में बांटना है 2 बिस्किट 2 टॉफी को या 2 टॉफी या बिस्किट जो भी कुछ मान लीजिए कुछ खाने वाला केक ही मान लीजिए तो 3 आदमी में बांटना है 2 केक है बराबर साइज का और 3 आदमी में बांटना है और यहाँ पे 4 केक है बराबर साइज का है इसको हम लोग को 3 आदमी में बांटना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पे जो केक मिलेगा आदमी को कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा कम मिलेगा। तो अब आपको कंक्लूजन ये आ गया कि व्हेन डिनोमिनेटर आर द सेम अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है यानी कि ये पार्ट जिसका न्यूमरेटर बड़ा है दे विल गेट दैट नंबर विल बी बिगर मींस दैट पार्ट विल बी ग्रेटर
तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। अब आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ गया कि व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम दोज न्यूमरेटर आर ग्रेटर विल बी ग्रेटर एंड व्हेन न्यूमरेटर आर सेम दोज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर दैट वन वुड बी स्मॉलर। ओके, अब आइए ये इक्वल के केसेस में हम लोग समझ गए हैं। तो एग्जांपल के लिए हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं कि ध्यान में आ जाए। सपोज आपके पास 8x7 है और 13x7 है तो कौन सा बराबर होगा, बड़ा होगा? क्योंकि तो आप देखिए डिनोमिनेटर सेम है यानी डिवाइड सेम आदमी में करना है और जितना पार्ट ज्यादा है तो ये ज्यादा पार्ट है तो ये बिगर हो गया। व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम दोज न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर एंड व्हेन सपोज आपके पास इस तरह से हम इसी को उलट देते हैं तो विच वन विल बी ग्रेटर व्हेन न्यूमरेटर इज सेम दोज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर दे वुड बी स्मॉलर मीन्स ये नंबर स्मॉलर हो जाएगा। तो यू गॉट आई थिंक व्हेन दैट डिनोमिनेटर आर सेम एंड न्यूमरेटर आर सेम तो यू कैन फाइंड विच वन इज ग्रेटर और स्मॉलर। बट फॉर द नेक्स्ट अगर आपका नहीं हो इक्वल सपोज वी हैव 2x3 एंड 4x5 एंड हियर वी हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर एंड डिफरेंट न्यूमरेटर इन दिस केस वी नीड टू डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लाइक वाइज दिस व्हाइल यू हैव टू रेशनल नंबर। जब आपके पास दो रेशनल नंबर है तो 2 5 जा व्हाट डू वी हैव 10 एंड 3 4 जा 12 डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चीज ध्यान रखना है इधर से पहले वाला और इधर का जो आए यहाँ लिखना है राइट में और नीचे से जाएंगे इधर इधर लेफ्ट होगा ये ऊपर से कर रहे हैं तो उसको लेफ्ट में रखना है ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर लेफ्ट में रखना है और इधर का डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर जो आप मल्टीप्लाई करें इसको राइट में रख दीजिए। अब आप देखिएगा कि विच वन इज ग्रेटर नाउ 10 और 12 दिस वन इज ग्रेटर सो दिस वन इज ग्रेटर दैट मीन दिस मीन्स 2x3 इज स्मॉलर देन 4x5 मीन्स 4x5 इज ग्रेटर देन 2x3। ओके, अब नेक्स्ट आ रहे हैं कि हमारे पास ऐसा है 2x3 और -4/5 है वन वेरी डिफरेंट थिंग। नाउ दिस वन वाज पॉजिटिव बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव हियर बोथ आर नेगेटिव तो इन दिस सिचुएशन अगेन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 5 10 वी आर -10 एंड 3 4 12 -12 नाउ से मी विच वन इज ग्रेटर दिस वन और दिस वन ऑब्वियसली दिस वन इज ग्रेटर सो दिस नंबर इज ग्रेटर -2/3 इज ग्रेटर देन -4/5। अब आ जाइए कुछ बातें हम लोग समझ गए दो नंबर के केस में व्हेन टू यू आर थिंकिंग ऑफ टू रेशनल नंबर सो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर। नेक्स्ट अगर आपको ऐसा रहे 2x3 है और 0 है अब नाउ यू आर बीइंग आस्क्ड विच वन इज ग्रेटर कौन बड़ा है तो बेसिकली व्हेन दिस टाइप्स ऑफ सिचुएशन कम जब 0 टाइप का आएगा तो जो नेगेटिव होगा 0 से वो छोटा होगा और जो पॉजिटिव होगा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इस केस में ऐसे ही आज हम लोग इतना 2 डिजिट वाला सीखेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग 2 रेशनल नंबर वाला सीखा और नेक्स्ट डे हम लोग इससे ज्यादा वाले सीखेंगे।